वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब इतने हैंडसम बच्चे हमारे सेट पे आ चुके हैं, जैसे एंट्री मारी है मैं उसी वक्त इंप्रेस हो गई हूँ। जनाब आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज हम एक फैशन शो को भी डिस्कस करने वाले हैं जो 3 नवंबर को होने वाला है और जो एंटी न्यूयॉर्क की जानिब से कराया जा रहा है और उसके साथ साथ कौन कौन लोग जो इसमें इन्वॉल्व होंगे और हमें रोहान और फाहद ने भी ज्वाइन किया है तो हम दोनों को वेलकम करेंगे। उसके बाद मैं अपने मेहमानों का तारुफ करने में चाहूंगी, जल्दी से डायरेक्ट कैमरा उन पर लाया जाए। उसके बाद जनाब हमारे साथ होंगे हामिद सईद साहब जो कि सीईओ हैं, उसके साथ साथ क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समन असद, और हमारे पास होंगे जनाब जाहिद साहब जो कि लाहौर लिबर्टी लायंस क्लब के मेंबर हैं। तीनों को वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप तीनों? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आज आपके फैशन शो के हवाले से बात की रही हूं, जरा बताएं हमें से सब। एक्चुअली द आइडिया इज दिस के न्यूयॉर्क में मैंने वहाँ पे स्पेशल ओलंपिक्स और इंटरनेशनल लायन क्लब के साथ मिलके वहाँ पे हमने काम किया हुआ है और आइडिया ये है कि हर कंपनी को एक यू नो सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें जो कंपनीज हैं बिजनेस हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसमें आइडिया ये था कि स्पेशल चिल्ड्रन के साथ कुछ काम करें, उनके लिए कुछ मनी रेज करें। आपको पता है कि ये जो बच्चे हैं ये हमारी तवज्जो के मोहताज हैं, ये हमारी लव के मोहताज हैं, ये वो बच्चे हैं कि जिनको माएँ भी बाज़ूकात छोड़ देती हैं, इंस्टीट्यूशन के हवाले कर देती हैं। तो उसके बारे में जब पाकिस्तान आया तो मैंने सोचा कि अगर हम इसको यहाँ पाकिस्तान में एक फैशन शो करें और इसमें सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन को लेके आए, यानी रैंप पे ये लोग आएंगे, ठीक है ना? तो ये तो रैंप पे तबाही मचा देंगे। मैं कहता हूँ ये देखें पूरे पाकिस्तान में ऐसा कभी शो नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। आप मुझे इनवाइट करें कि नहीं करें? वेरी वेरी टैलेंटेड किड्स, वेरी टैलेंटेड किड्स दे हैव, और वी हैव अ बिग सरप्राइज फॉर यू ऑन दैट डे। फ्लैट इज में इंशाल्लाह विल हैव लाइक यू नो मे बी मोर देन 500 गेस्ट्स और इसमें सेलिब्रिटीज होंगी, इब्रार साहब भी आ रहे हैं, आई थिंक ही इज गोना डू द एंटरटेनमेंट, इब्रार हक। So we are looking forward to raising a ton of money and helping these children. My birthday day. Oh, ठीक है। मुझे excitement नहीं होगी। We'll cut your cake there. अच्छा जी, हमारे साथ आइए। सभी आप लाइन्स क्लब के हवाले सिर्फ जानना चाहेंगे क्या है बेसिकली लाइन्स क्लब? इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। We have around 1.7 million members in 200 countries, 40,000 clubs. तो हमारा जो मेन मकसद होता है दैट वी गेट टुगेदर सोशली, वी क्रिएट अ नेटवर्क, अ चेन ऑफ नेटवर्क, देन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो हमारी कम्युनिटी में की जाती है। तो जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हम करते हैं इनके टारगेट जो होते हैं वो आप समझ लें कि डाउन ट्रोडन या मतलब दोज पीपल हु कैन नॉट इवन अफोर्ड, मतलब मेडिकल अटेंशन तो बहुत दूर की बात है, स्क्वेयर मील 2-3 स्क्वेयर मील्स भी वो नहीं अफोर्ड कर सकते। सो वी पिक ऑन दोज चिल्ड्रन एंड पीपल एंड वी गिव देम अ कंप्लीट मेडिकल चेकअप एंड वी इवन हाँ जी इसमें आई साइट जो है वो हमारा सबसे पहले मतलब हम करते हैं। एंड यू वुड बी सरप्राइज चूंकि ये जो स्पेशल चिल्ड्रन है दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड दे कांट इवन टेल देयर पेरेंट्स दैट दे आर सम प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? सो जब हम ये एक्टिविटी करते हैं, हम ये कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, देन वी कम टू नो अबाउट देयर डिसेबिलिटीज प्रॉपरली एंड देन वी गिव अ फीडबैक टू देयर टीचर्स एंड टू देयर पेरेंट्स एंड प्रोवाइड देम proper equipment to address those disabilities. Zabardast, lovely. So, इसमें हम ये जो fashion show हो रहा है, ये idea definitely हामिद साहब ने float किया था, and it's being managed by Saman. It's a great idea. I personally believe कि इस तरह का fashion show definitely very good for the children. हमारा पूरे पाकिस्तान में ऐसा कभी show नहीं हुआ. I mean, you know, their show. और इन बच्चों को जो है specially जो है हमारे celebrity जो अपना वो होंगे मॉडल्स होंगे वो इनको एस्कोर्ट करेंगे बिकॉज़ सम ऑफ देम कैन नॉट वॉक और इसको उसको ऑर्गेनाइज जो किया है वो लाहौर लिबर्टी लायंस क्लब ने किया है। इसमें एक और मतलब कोलैबोरेशन बहुत जबरदस्त है, इसमें एक और थीम डेवलप किया है, समझ ज्यादा डिटेल में बताएंगे कि हमने कहा कि इसको कोई नेशनल थीम दें तो हमने इलामा इकबाल की थीम दी है इसको और समन विल एक्सप्लेन दैट आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट समन हम जानना चाहेंगे फैशन शो भाई जबरदस्त काम है और इसके अलावा ड्रेस टू इंप्रेस वाला जो जो ड्रेस फॉर सक्सेस वाला एग्जैक्टली ड्रेस फॉर सक्सेस तो इसमें बच्चे भी फॉल कर गए और आपको इसकी स्पेशलिटी बताऊं प्रोग्राम की इसमें सिर्फ फैशन शो ही नहीं है इसमें म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी है और वो भी स्पेशल पर्सन की जानिब से होगी उसमें यंग सिंगर्स हैं जो स्पेशल पर्सन हैं वो इसमें
अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, पूरा बैंड है इंशाल्लाह, जब आप आओगी तो आप देखोगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पसंद करोगी। इकबालियात के ऊपर हमने फोकस किया कि जिस तरह इकबाल अपनी कैप को कैरी करते थे, जो उनकी शॉल होती थी, तो वो हमने इसके स्पेशल आर्टिकल्स बनाए हैं कि हमारे जितने भी ये किड्स हैं और हमारे मेल फीमेल मॉडल्स हैं, वो सब वही इकबालियात का जो एक अटायर है वो प्रेजेंट करेंगे। अच्छा जबरदस्त। अच्छा जी, फहद तो बहुत जबरदस्त लग रहे हैं शेरवानी में, और मैं जानना चाहूंगी फहद माइक करीब करें, कैसे हैं आप? आपको पता है आज फहद इज वेरी एक्साइटेड क्योंकि उसने शेरवानी पहनी हुई है और वो कहते हैं कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ओह माय गॉडनेस, दूल्हे को लेकर लड़की लड़ी हमें तो अर्जेंट बेसिस पे, ये तो कमाल हो गया है, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। अच्छा जनाब, ये फहद आपको आपकी जो मामा है वो बता रही है मुसलसल कि आपने कैमरा इसमें देखना है, आप जहाँ मर्जी देख के बात करें, कोई मसला नहीं, कैमरा आपको फोकस कर रहा है। अच्छा फहद, ये आपको शेरवानी में कैसा लग रहा है आज? शेरवानी मुझे बहुत पसंद आ गई, अब हमें डेफिनेटली फहद के लिए कोई लड़की ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा जी, साथ हमारे बैठे हुए हैं रोहान और हाथ में लिया हुआ है गिटार। अच्छा रोहान, इनको माइक दीजिएगा फहद। रोहान, ये माइक देखो, माइक की तरफ। रोहान ना अपने आप को टीवी पे देख रहा है, मैं जरा वॉक कर लूं। रोहान बहुत ये मेरे साथ जो मेरे कैमरामैन से, मैं वॉक करके उधर जाने लगी हूं, तो मैं जरा फहद से जाकर बात करती हूं। हां बिल्कुल सही, रोहान से और फहद से। हेलो हैंडसम बॉय, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र ठीक है। अच्छा जी रोहान, मैं आपसे जानूंगी, आपको गिटार बजाना आता है? रोहान इधर देखो ना, टीवी पे तो बहुत प्यारे आ रहे हो, किधर देख के बताओ ना, गिटार बजाना आता है? आवाज बनो। चलो, बहुत फेवरेट सॉन्ग थी रोहान का। अच्छा, आवाज बनो, खामोशियों को तोड़ दो। लवली रोहान, प्लीज प्ले तो करके बताओ ना, हम सब देखने के लिए खड़े हुए हैं। अरमला, मुझे लगता है आपको इसके साथ प्ले करना पड़ेगा, है ना? मुझे करना पड़ेगा, मुझे आता नहीं है। अच्छा मैं इन दोनों के ड्रेस के हवाले से भी थोड़ा जानना चाहूंगी, हमें सब जो आपने इनके लिए डिजाइन किया, क्या है, क्या बेसिकली? एक्चुअली रोहान जो है वो देखें, उसको हमने बड़ी आई वुड से पार्टी लुक दी है, ब्लैक ऑन ब्लैक करके, साथ में वेस्टकोट है, एंड यू नो ही इज रेडी टू पार्टी, ही इज रेडी टू रॉक, एग्जैक्टली रॉक। एंड जो है अपना फहद को यू नो ट्रेडिशनल शेरवानी में, तो इस तरह के काफी आउटफिट्स हमने डिजाइन किए हैं, सो इट्स गोना बी बाय थीम्स, और यू नो आई थिंक वी गोना हैव अ ग्रेट कलेक्शन ओवर देयर। लवली लवली। अच्छा मुझे लग रहा है कि मेरे वाली आदत है इन दोनों को भी कि मैंने भी उस स्क्रीन को देखना है और ये दोनों भी देखे जा रहे हैं, मेरा हमारे सबकी आदत होती है, हम जरा फरमाइश करते हैं कि जनाब हमें ये स्क्रीन पे जरा हमारी शक्ल दिखा दें। अच्छा जनाब, हम समर कलर्स ड्रेस कोड क्या होने वाले इकबालियत पे तो डेफिनेटली कर रहे हैं, अब जिस तरह से आपने रुहान को थोड़ा पार्टी लुक दिया है उसके साथ, अब जो अच्छा इसके चार सेगमेंट्स हैं फैशन शो के, और जो इसका पहला सेगमेंट है उसमें ब्राइडल और ग्रूम ड्रेसेस होंगे, और सेकंड में फिर हमारा जो है वो एक फॉर्मल ड्रेसिंग होगी जिसमें बच्चे जो आप रोहान की ड्रेसिंग देख रहे हो, वेस्ट कोट्स हैं स्मार्ट टाई के साथ, ब्लैक शर्ट है, ब्लैक पैंट्स हैं, तो उसके साथ ये होगा कॉम्बिनेशन डिफरेंट हम प्रेजेंट करेंगे, और उनके साथ जो लड़कियां हैं वो एक इमेज प्रेजेंट कर रही है बहन भाई का, मतलब ये बताने कि बहनों के जिनके भाई स्पेशल पर्सन हैं उनको उनको किस तरीके से साथ लेके चलना चाहिए, लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, तो उसमें लड़कियां कुछ मॉडर्न कट्स पहनेंगी जिसमें आपके पॉन्चोज हैं, केप स्टाइल ड्रेसेस हैं, तो इसमें कौसैन काजमी, सिलहर्ट और बहुत सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं। अच्छा कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन बहुत सारे लोगों की है बेसिकली। एक और चीज हमने की है इसमें कि हमने ना इनके कस्टम डिजाइन किए हैं इनके साइज के मुताबिक, पूरी होती है कलर ठीक होना चाहिए, उसके बाद पर्सनालिटी पे सूट करना चाहिए, इनकी बॉडी टाइप के मुताबिक कपड़े होने चाहिए, वो सारे इनकी बिल्कुल उनकी साइज के बनाए हैं और उनकी प्रोपोर्शन के मुताबिक
So I think they're going to look great and they do look great. بلکہ مزے کی بات ہوں جو تھرڈ ریمپ اس میں ہم نے فل دیسی ٹچ دی ہے جس میں یہ چوئیدار پاجامے شارٹ شرٹس جو اس زمانے میں اقبال کے زمانے میں لوگ اپنے ہیئر سٹائلز رکھتے تھے عورتیں اور لڑکے اور جس طریقے سے وہ کپڑے پہنتے تھے وہ اور فورتھ جو ہمارا ہے وہ آسکر لک ہے آسکر لک میں ہم نے جتنے بھی ہماری کڈ ماڈلز ہیں اور ینگ ماڈلز ہیں وہ میکسیز پہن رہی ہیں اور ان کے ساتھ جو لڑکے ہیں وہ ٹکسیڈو پہن رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ آئیڈیا بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اسپیشل چلڈرن ہیں نا جی وی آر گوئنگ ٹو کریٹ این انوائرمنٹ فار دیم مطلب ٹو میک دیم فیل کمفرٹ اینڈ میک دیم ا پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ انوائرمنٹ تو اس میں ان کا کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا ہے نا جی انٹریکشن ہوتی ہے سو ونس دے آر کانفیڈینٹ about handling themselves in public then they will be able to merge in that society actually hum ye kehna bata rahe hain batana mang rahe hain ki ye important hai they feel important they should feel important and then you know their confidence come you know once they feel important ke hame bhi koi matlab dekhne wala hai hame koi janne wala hai hame koi you know hame appreciate karne wala hai to exactly and that's what gives them confidence aur isme amala hum bahut thankful hain ki lions club ne iske liye pehle rehearsals rakhi hain taaki bacche models ke sath یونائٹیڈ ہو جائے ان سب فرینڈلی ہو جائے یہ بڑا زبردست ایک انیشیٹو ہے ڈیفینیٹلی جناب اس فیشن شو کے حوالے سے اور بھی ڈسکشن کریں گے میں بریک میں کوشش کروں گی کہ میں روحان سے تھوڑا گٹار پلے کرا لوں اور پھر میں آپ کے ساتھ بھی اسی ملاقات کروں ملتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور